हेलो एवरीवन तो कैसे हैं आप लोग स्वेक्षा स्वागत है आप सभी का मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और देखिए बेटा हम लोग हेलो अल्केन्स केन्स एंड हैलोरस के लेक्चर नाइन में आ गए और जिन लोगों ने अभी लेक्चर्स नहीं देखे हैं एल वन टू एल एट वो लोग ये लेक्चर सारे देख डालें बहुत डिटेल में हम लोग जा रहे हैं बेटा जीरो टू तो सुपर हीरो लेवल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सारी चीजें बहुत जीरो लेवल से लेकर एकदम एडवांस टू तो एडवांस लेवल तक चीजें हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं एक एक पार्ट एक एक पॉइंट एक एक कायनजम सारे रिएक्शंस डिटेल्ड ट्रिक्स टेक्निक्स सब कुछ साथ में लेके हम लोग चल रहे हैं राइट तो चलिए हम लोग सबसे पहले बेटे बात करते हैं यहाँ पर जेडी सेक्शन की और जे सेक्शन में हम लोग देखते हैं बेटे कि हम लोग इस सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं राइट सो इन दिस सेशन विल कवर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड सब्सिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन

एंड देन ई एस ऑफ हैलो बेंजिन एंड देन मिसलिनियस रिएक्शंस ऑफ हैलो बेंजिन यानी कि हम लोग आज के सीशन बेटा हेलो बेंजिन या हेलो एरेंस की बात भी स्टार्ट करेंगे है ना और उसके बाद फिर ये सारी बातें आगे बढ़ती चली जाएंगी बात समझ रहे हैं बेटे तो ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से तगड़े से मस्त और ज़बरदस्त तरीके से हम लोग कवर करेंगे बेटे बहुत बढ़िया तरीके से है ना तो एकदम कूल माइंड से बैठे बेटे पेन कॉपी लें साथ साथ नोट्स बनाएं, और लेक्चर को एंजॉय करें मस्त और जबरदस्त तरीके से तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के लेट यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा सबसे पहले किसकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड सब्सिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव ठीक है तो अगर हम इसके डेरिवेटिव्स की बात करें या बेंजीन की बात करें सो इन दैट केस देखो हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो बेसिकली बेटा हम लोग बात करते हैं बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव्स की तो ये बेंजीन है और बेंजीन से अगर हाइड्रोजन निकाल कर कोई ग्रुप लगा दो है ना एक ग्रुप लगा दो या फिर दो हाइड्रोजन निकाल के दो ग्रुप लगा दो तो वो बेंजीन का क्या बन जाता है डेरिवेटिव बन जाता है राइट तो ये बेंजीन है और देखो बेंजीन से एक हाइड्रोजन आपने निकाला और वहां पर एक जी लगाया तो क्या बन गया बेंजीन डेरिवेटिव बन गया राइट बेटे सो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स अब बेंजीन क्या है बेटा देखो अगर आप बेंजीन की बात करें तो बेंजीन के अंदर आप देखोगे आपको क्या मिलेगा बेंजीन में बेंजीन में बेसिकली आपको क्या मिलेगा यहां पर पाई बॉन्ड्स मिलते हैं अल्टरनेट बॉन्ड्स का मतलब अगर हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखें तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलता है देखो इस तरह से ये डिलोकलाइज होता रहता है पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बेटा बताओ पूरा का पूरा, पूरा पाई इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है पूरा का पूरा, पूरा पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहा है ऐसे 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 करके तो इसका मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस होता है ये और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लोफाइल क्या बोलते हैं उसको न्यूक्लोफाइल सो दिस बेंजीन एंड इट्स डेरेवेटिव जो है वो किसका काम कर सकते हैं बेटा न्यूक्लोफाइल का काम कर सकते हैं तो अगर ये न्यूक्लोफाइल का काम करेंगे तो बेटा जनरली ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे सो इफ दे आर न्यूक्लोफाइल सो इनके पास कौन आएगा तो इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है

नॉर्मल ंडीशन में कौन सी कंडीशन मैंने बोला नॉर्मल बोला बेटे नॉर्मल कंडीशन में इस पर भी निगेटिव चार्ज है यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लोफाइल यहां पर अटैक नहीं करेगा नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर कौन अटैक करेगा बेटा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आई रीजन मैंने आपको समझाया तो बहुत बढ़िया तरीके से समझे बेटा सो बेंजीन एंड इट्स बेंजिन आर न्यूक्लोफाइल सो दे रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करते हैं अब अब बात यह आती है कि सर इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा तो दो चीजें हो सकती हैं एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो सकता है बात समझ में आई तो ये तो क्लियर हो गया कि सर ठीक है आपके बात तो समझ में आती है कि सर इलेक्ट्रोफाइल नॉर्मली अटैक नहीं करेगा नॉर्मली कौन अटैक करेगा यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो अगर नॉर्मली इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो सर ये जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ये किस तरह से अटैक करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा मतलब ये एड हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा या फिर ये किसी को वहां पर सब्सिट्यूट कराएगा इलेक्ट्रोफाइल तो अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जा रहा है तो इलेक्ट्रोलिक एडिशन होगा और वो इलेक्ट्रोफाइल अगर वहां पे जाके किसी को सब्सिट्यूट कर रहा है तो बेटा वो इलेक्ट्रोफिलिक क्या होगा सब्सिट्यूशन तो बात यहां पर ही आती है भाई कि क्या देगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और सब्सिट्यूशन अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आया तो ये तो क्लियर हो गया भाई कि न्यूक्लिफाइल नॉर्मली अटैक नहीं करेगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा क्यों क्योंकि व्यंजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मतलब इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है उसके अंदर थोक के भाव में तो उसके पास कौन जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा अटैक करेगा यह बात समझ में आती है न्यूक्लोफाइल क्यों नहीं जाएगा क्योंकि तो न्यूक्लोफाइल पर निगेटिव या लोन पेयर होता है और इंजिन पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो बेटा ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे तो न्यूक्लिफाइल नॉर्मल कंडीशन में नहीं जाएगा एबनॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लोफिलिक रिएक्शंस भी होती हैं कुछ अनकॉमन रिएक्शंस राइट बट कॉमन रिएक्शन किसका होगा इलेक्ट्रोफाइल का होगा ये बात समझ में आती है अब इलेक्ट्रोफाइल ऐड वहाँ पर जा रहा है अटैक कर रहा है तो कैसे अटैक करेगा एड हो जाएगा या सब्सिट्यूट करेगा किसी को सो बात यहाँ पर नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रोफिलिक बेटे एडिशन होगा या सब्सिट्यूशन होगा तो अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करें तो एडिशन देखो कैसे होगा कि भाई इसका एक पाई बॉन्ड है तोड़ोगे आप इसको तो आपने इसको तोड़ा तो यहां माइनस यहां प्लस आया है ना मैं इसको यहां पे बना के दिखाता हूं आपको देखिए, मान लो आपने कहा कि भाई सर ये है कुछ ठीक है दोनों बात करते हैं ठीक है अब अगर आप बोलोगे सर कि अगर हम एडिशन की बात करें किसकी बात करें एडिशन की बात करें तो एडिशन में क्या हो गया पाइवन तोड़ोगे आप यहां पर तो माइनस आएगा यहां प्लस आएगा और जो इलेक्ट्रोफाइल है बेटे यहां पर अटैक कर जाएगा तो अटैक कर जाएगा अगर इलेक्ट्रोफाइल तो देखो यहां पर प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा और प्लस यहां पे बच जाएगा आप देखो यहां पर इस कंपाउंड में सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है बेटे टू फोर सिक्स तो कंपाउंड एरोमेटिक लेकिन जैसे आप इसको ये बनाते हो तो डबल सिंगल डबल सिंगल 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 रेजोनेंस जबकि एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है रेजोनेंस कंटिन्यूएशन में होता है और सिक्सफाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो होता है और बेटा यहाँ पर तो रेजोनेंस कंटिन्यूएशन में है नहीं यहाँ पर तो एसपी थ्री हाइब्रडेशन हो गया और अगर अगर पेरीफेरी में अगर एसपी थ्री हाइब्रेशन आ जाता है जहाँ पर कंटिन्यूस कंजुगेशन हो सकता है तो बेटा वो कंपाउंड बन जाता है आपका नॉन एरोमेटिक और पता है स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होता है उसके बाद आपका नॉन एरोमेटिक होता है देन आपका एंटी एरोमेटिक का स्टेबिलिटी होता है तो अब एक चीज़ बताओ बेटा यहाँ पर ये ये आपका जो है एरोमेटिक से क्या बन जा रहा है ये आपका एरोमेटिक से बेटा क्या बन जा रहा है नॉन एरोमेटिक बन जा रहा है यानी ये मोर स्टेबल से लेस स्टेबल हो जा रहा है ये आपका मोर स्टेबल से क्या हो जा रहा है मोर स्टेबल से क्या हो जा रहा है बेटे ये लेस स्टेबल हो जा रहा है सो इट्स तो इसका एरोमेटिसिटी लूज हो जा रहा है तो इट्स सो लॉस ऑफ इट्स एरोमेटिसिटी है ना अनस्टेबल हो गया तो बेटा बताओ क्या ये एडिशन रिएक्शन देगा आप तो क्या कर रहे हो तो? आप तो स्टेबिलिटी की तरफ पढ़ना चाहोगे आप तो स्टेबिलिटी की तरफ पढ़ना चाहोगे तो बेटा एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो जा रहा है एरोमेटिक से क्या हो जा रहा है नॉन एरोमेटिक हो जा रहा है ये अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर दे रहा है जबकि एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं तो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक मतलब स्टेबल से आप अनस्टेबल हो रहे हो इट मीनस बेटा ये फिजिबल रिएक्शन नहीं होगी दिस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो जनरली बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता है नॉर्मल Condition में तो जनरली नहीं देता है तो जनरली क्या देता है ये अभी समझाते हैं जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन देगा कैसे देगा जरा देखो अब सब्सिट्यूशन में बेटे क्या होगा कि भाई देखो यहां पर आपके पास हाइड्रोजन है समझे बात को और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है ये अब H निकला तो यहां माइनस आया ठीक है है ना अब इसका मैकेनिज्म वगैरह बताएंगे आपको तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कर गया तो देखो एच को हटाया और ई आया जबकि यहाँ पर क्या हुआ था कुछ नहीं हटा था बात समझना इसको एडिशन क्यों बोला था यहाँ पर कुछ भी नहीं हटा था जस्ट इलेक्ट्रोफाइल एड हुआ था जब इन दैट केस यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा एच प्लस और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो देखिए यहाँ पर यह आ गया अब ये पहले भी एरोमेटिक है पहले भी एरोमेटिक है बेटे ये भी एरोमेटिक था पहले भी एरोमेटिक है और ये अभी भी एरोमेटिक है तो बेटा बताओ इसने और आप, आप देख रहे हो यहाँ पर एरोमेटिसिटी इसका रिटेन हो गया स्टेबल रहा तो अगर एरो स्टेन हो गया तो बेटा जनरली ये है ना इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन देगा सो तो कॉमन रिएक्शन इज ई एस है ना सो कॉमन रिएक्शन ऑफ बेंजिन एंड एरोबेटिक्स इज ई एस दिस इज कॉमन रिएक्शन दिस इज कॉमन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन

बिकॉज ऑन एडिशन एरो परमानेंटलीस्टेबल बट हमने कहा था ना कि नॉर्मल कंडीशन में एडिशन नहीं देता बट इन स्पेशल केसेस दे गिव इलेक्ट्रोफिक्शन ऑल्सो तो अगर उसको सनलाइट या हीट कर दो जैसे आपने बेंजिन लिया बेटे और उसमें फिर रेडिकल एडिशन होगा अगर आप सीएल टू और हीट कर दो सनलाइट के प्रेजेंस में तो क्या हो गए सारे के सारे बॉन्ड सूट जाएंगे बेटे और हर जगह यहां पर क्लोरीन एड हो जाएगा है ना तो स्पेशल कंडीशन बेंजिन को अगर आप क्लोरिनेशन करो सनलाइट के प्रेजेंस में तो बेटा यहाँ पर आपका क्लोरीन ऐड हो जाता है है ना सनलाइट या फिर यूवी लाइट के प्रेजेंस अगर आप कराओ तो बेटा यहां पर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी दे देता है बट दिस इज अ स्पेशल केस है ना नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है तो बात समझ में आती है तो नॉर्मली क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई चलिए आगे बात करें अब अगर सो वाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन इज नॉट सो कॉमन सो ई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजिन इज नॉट सो कॉमन अभी रीजन मैंने आपको समझाने की कोशिश की क्या समझाने की कोशिश की कि भैया ये देखिए आपका है बेंजिन जो कि एक न्यूक्फाइल की तरह काम करेगा इसके पास इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइलोफाइल दोनों है राइट अब इसका रिएक्शन क्या हो सकता है वो देखते हैं अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक किसकी एडिशन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में बेसिकली क्या हो जा रहा है जरा देखिए कुछ तरह से हो जा रहा है देखिए कैसे तो आप यहीं से समझ सकते हो कि बेटा ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है और ये कंपाउंड देखो यहाँ भी एस थ्री हो गया यहाँ भी एस थ्री हो गया दिस कंपाउंड बिकम्स नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक सो आप क्या कर रहे हो बेटा मोर स्टेबल से कहाँ जा रहे हो है ना ये रीजन अभी आपको समझा चुका हूँ लेस स्टेबल या अनस्टेबल सो दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस तो बेटा ये नॉर्मली नहीं होगा हाँ फोर्सफुली करा सकते हो जैसे कि आपने अभी क्लोरीन और सनलाइट या यूवी लाइट के प्रेजेंस में कराया तो क्या होगा इसमें देखो इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन का ऑफ बेजन का मैकेनिज्म क्या होगा भाई यह बॉन्ट टूटा अभी तो समझाया बेटे आपको ये माइनस और ये प्लस ये एरोमेटिक था इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करके देखा गया, गया यहाँ प्लस चार्ज आ गया उसका जैसे प्लस चार्ज आया तो अब न्यूक्लिफाइल बचा तो न्यूक्फाइल यहाँ अटैक कर गया और ये बन गया तो बेटा बताओ ये नॉन एरोमेटिक हो जा रहा है तो इसका मतलब ये ये आगे बढ़ेगा नहीं मतलब रिएक्शन होगा नहीं क्योंकि आप मोर स्टेबल से कहाँ जा रहे हो लेस स्टेबल ये आपका मोर स्टेबल है और मोर स्टेबल से आप कहां जा रहे हो लेस स्टेबल है ना सो दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं होगा क्लियर समझ में आ गई बात है चलिए तो जरा देखिए यहां पर क्या बात आती है बेंजीन लूजेज इट्स एरोमेटिसिटी एरोमेटिक टू नॉन एरोमेटिक देखो सारी चीजें मैं तो आपने लिखे भी समझा देखो सर समझा भी रहा हूं प्रॉपर लिखा हुआ है नोट्स भी आपके सामने दैट्स वाई नॉर्मली इन नॉर्मल कंडीशन बेंजीन एंड अदर बेंजीन कंपाउंड डज नॉट शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन

अब बात आती है नेक्स्ट क्या कि भैया इलेक्ट्रोफिलिक एरोटिक सब्सिट्यूशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स अब भाई ये जनरली ई एस रिएक्शन देता है तो अब ईएस रिएक्शन के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए वी मस्ट नो अबाउट ईएस रिएक्शन तो अब हमें ईएस रिएक्शन को जानना होगा तो भैया ईएस रिएक्शन क्या होगी तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते चले आए कि कहां पर कौन सा रिएक्शन देगा जनरली कौन सा नहीं देगा और अगर जो दे रहा है तो फिर वो आप कैसे देगा तो उसको समझते हैं सो नाउ इट्स टर्न टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट है ना कॉन्सेप्ट ऑफ ईएस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन राइट चलिए देखा जाए उसको तो जैसे कि आपने देखा अभी आपने बताया कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दे देश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन दैट इज कॉल्ड ई एस दैट इज कॉल्ड ई ए एस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन ये देखिए इलेक्ट्रोफिलिक है ना सब्सिट्यूशन रिएक्शन और चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड है तो आप यहां पर एरोमेटिक भी बोल सकते हो दैट इज कॉल्ड ई ए एस है ना इसका रीजन भी आपको समझाया सो रिएक्शन इज इनिशिएट बाय इलेक्ट्रोफाइल चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल है बैठे तो तो न्यूक्लियोफाइल है उसको इनिशिएट कौन करेगा अटैक कौन करेगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा चूंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को हटाएगा है ना और यहां पर ई लग जाएगा तो देखो हाइड्रोजन हटा बेटे और ई लग गया तो देखो ये सब्सट्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है दैट्स इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक है और चूंकि कंपाउंड एरोमेटिक है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन सो रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड एच इज सब्सिटेट बाय इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन इज सबूट बाय इलेक्ट्रोफाइल दैट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिकब्सट्यून रिएक्शन बोलो बेटे ये बात समझ में आई क्या ये बात समझ में आई क्या एंड देन अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक एरोटिक रिएक्शन अब ई एस का मैकेनिज्म क्या होगा अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं बेटे तगड़े से मस्त और जबरदस्त तरीके से चले तो अब मैकेनिज्म समझते हैं और इस पर बहुत सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त और जबरदस्त तरीके से और इस तरह से हेरोज को भी हम लोग बहुत बढ़िया से तगड़े से कंप्लीट करेंगे तो यहां तक तो अब बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटे चलिए पानी पिया जाए बेटे चलिए आप भी पीजिए देखिएगा क्या देखना है देखिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है और ये यह इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आके अटैक किया अटैक किया तो बॉन्ड टूटा भाई चलिए तोड़िए बॉन्ड बॉन्ड को तोड़ा जाए तो यहां पर आया माइनस यहां पे आया प्लस और इलेक्ट्रोफाइड खट से यहां पे अटैक कर गया अच्छा यहां पर बेटा हर जगह एक एक हाइड्रोजन है देखो है ना वैलेंसी तीन है एक दो तीन तो यहां भी हाइड्रोजन है 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 बट जहां जरूरत है वहां सो करेंगे ठीक है तो हाइड्रोजन यहां पर भी है आपका आप शो कर सकते हो हर जगह है जहां पे मर्जी हो वहाँ पे शो करो जहाँ पे जरूरत लगे आपको ओके ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर गया यहाँ पे अच्छा यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है बेटे तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगा तो ये स्लो स्टेप आपका रहेगा राइट और स्लो स्टेप क्यों होगा और भी बताते हैं तो इसको मिले रेड डिटावाइनिंग स्टेप तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफाइल एड हो गया और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया अच्छा ये न्यूट्रल था एरोमेटिक था न्यूट्रल था और एरोमेटिक था और ये बन जा रहा है क्या देखो यहाँ से नॉन एरोमेटिक और चार्ज बन जा रहा है तो भैया एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक अनस्टेबल हो रहा है न्यूट्रल से चार्ज अनस्टेबल हो रहा है तो बेटा स्टेबल से अनस्टेबल जब जाते हो तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है एनर्जी देनी पड़ती है तो उस प्रोसेस वो प्रोसेस आपका कैसा होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है बोलो बेटा कैसा प्रोसेस होता है आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है और चूँकि बॉन्ड तोड़ रहे हो है ना तो इसलिए अब चूंकि मोर स्टेबल से ले स्टेल जा रहे हो तो बेटा जल्दी से तेजी से तो नहीं जाएगा कैसे जाएगा स्लो लगाएगा तो इससे स्लो स्टेप और यहाँ पर इसलिए इसको बोलते हैं रेट डिटा माइनिंग स्टेप तो बेटा इसमें अगर आप पहले स्टेप की बात करो दिस इज स्टेप वन दिस इज स्टेप वन तो अगर आप स्टेप की बात करो तो स्टेप में बेटा क्या हाइड्रोजन को निकाल रहे हो क्या आप नहीं हाइड्रोजन तो लगा हुआ है जस्ट आप पाइबोन को तोड़ रहे हो और इलेक्ट्रोफाइल को यहां पे ऐड कर रहे हो जस्ट आप पाइबोन को तोड़ रहे हो इलेक्ट्रोफाइल को यहां पे ऐड कर रहे हो हाइड्रोजन इज नॉट रिमोट तो ध्यान रखो इन फर्स्ट स्टेप इन फर्स्ट स्टेप हाइड्रोजन एच प्लस इज नॉट रिमोव रिमोट और यही आपका आरडीएस है यानी आरडीएस में हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो रहा है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ समझना चूंकि हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो रहा है तो बेटा हाइड्रोजन और यही आरडीएस है सिर्फ इलेक्ट्रोफाइलाइड हो रहा है तो अब अगर हाइड्रोजन पहले स्टेप रिमूव नहीं हो रहा है तो चाहे आप हाइड्रोजन ले लो चाहे आप यहां पर ड्यूटेरियम ले लो चाहे आप ट्रीटियम ले लो बेटा क्या इससे कोई इसके रेट में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या क्यों क्योंकि हाइड्रोजन तो रिमूव हो ही नहीं रहा है तो अगर यहां ड्यूटेरियम होता तब भी वही लगा रहता है ट्रीटियम होता तब भी यहां पर लगा रहता इसका मतलब यहां पर अगर आप डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन ले लो तो बेटा यहां पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यानी कि यहां पर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लगेगा हाँ अगर यहां पर हाइड्रोजन टूट रहा होता आरडीएस में तो हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए फिर एनर्जी कम लगती ड्यूटीडियम को और ज़्यादा लगती टीटीएम को और ज़्यादा लगती तो यहां पर इसके रेट पर फर्क पड़ता बट चूंकि यहां पर हाइड्रोजन टूट ही नहीं रहा है बेटे तो चाहे यहां पर एच हो चाहे डी हो चाहे टी हो हमें पता है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं या बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो सी का सबसे ज़्यादा होता है उससे कम सी का होता है और सबसे कम सी का होता है या आपका वीक बॉन्ड होता है तो चूंकि यहां पर बॉन्ड यह टूटी नहीं रहा है बेटा इसका बॉन्ड एनर्जी से कोई लेना देना ही नहीं है सो देर विल बी नो आइसोटोपिक इफेक्ट इसका मतलब ये ये आपका C6H6 है क्या है सी सिक्स एच सिक्स है ना यानी कि अगर आप लेते बेंजी ले लेते या फिर आप C6D6 ले लेते, या फिर आप C6D6 ले लेते, या फिर आप आप ले ले लेते लेते बताओ बेटा अगर हम यहां पर इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो सभी के रिस्पेक्ट में रेट क्या होता है बताओ क्योंकि पहले स्टेप में हाइड्रोजन टूट ही नहीं रहा है निकल ही नहीं रहा है तो सभी के रिस्पेक्ट में जो रेट होगा बेटा इसका रिएक्शन का वो इक्वल होगा है ना सो देर इज नो कार आइसोटो उॉपिक इफेक्ट रेट क्या होगा इक्वल होगा ऑलमोस्ट नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट मतलब आइसोटोप की वजह से काइनेटिक, मतलब रेट पे अगर फर्क पड़ जाए इसको ऐसे समझो ये कोई, कोई कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बढ़ा बहुत सिंपल सा चीज़ है कैनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट यानी आइसोटोप की वजह से कैनेटिक मतलब रेट पर अगर फर्क पड़ जाए तो उसको बोलते हैं कैनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट तो बेटा यहाँ पर आइसोटोप्स की वजह से इसके रेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो बॉन्ड से कोई लेना ही देना नहीं है इस स्टेप में आरडीएस में क्योंकि आरडीएस ही सब कुछ डिसाइड करता है इसलिए इज नो कैनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट सिंपल चलिए काफी कुछ बताया हमने काफी कुछ बताया अब ये स्लो स्टेप क्यों है तो यहां पर लिखा देखो हाई स्लो स्टेप बिकॉज एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो रहा है मोह स्टेबल स्ले स्टेबल जा रहे हो तो भाई तेजी तो नहीं जाएगा ना बेटे आप स्टेबिलिटी को अगर लूज कराना चाहते हो किसी को तो उसको ठोकना पड़ेगा जब उसको ठोकोगे ना तभी वो अनस्टेबल होगा तो वैसे ऐसा नहीं कि तुरंत ठोक दिया ठोकने में टाइम लगेगा ना सो दिस इज आर डी एस स्लो स्टेप राइट ओके नाउ जैसे ये बना बेटा अब आप इसका क्या कर सकते हो आप इसका रेजुलेंस करा सकते हो तो इसको वन बोल दिया इसको टू बोल दिया इसको थ्री बोल दिया चार्ज को वन से थ्री में ले जाओ तो चार्ज देखिए वन से थ्री में आ गया

पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है जरा चेक करें यहाँ बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड है देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड है कंटिन्यूएशन में देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड है यानी यहाँ भी आ चुका है यहाँ भी आ चुका है यहाँ भी आ चुका है और यहाँ पाई बॉन्ड है यानी यहाँ से यहाँ तक पाई बॉन्ड आपको पाया जा रहा है तो देखिए इसका हाइब्रिड बनाएंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पाई बॉन्ड पाया जा रहा है और कौन सा चार्ज यहाँ से यहाँ तक मुक्कर है प्लस चार्ज तो पास कहाँ प्लस चार्ज यहाँ पे आया देखिए प्लस चार्ज आपका यहाँ पे आया देखिए और प्लस चार्ज आपका यहाँ पे आया देखिए ये तो यहाँ से प्लस चार्ज ऐसे मूव कर रहा है और पाई बाउंड यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है तो दिस इज रेजुनेस हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिस इज हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटे राइट तो इसका हाइब्रिड बना दिया और यहाँ पे जो थ्री डेल्टा प्लस है प्लस वन चार्ज ही मूव कर रहा है तो थ्री डेल्टा प्लस जो आपका होगा वो प्लस वन के बराबर होगा क्योंकि प्लस वन चार्ज ही मूव कर रहा है यानी यहाँ पर जो तो डेल्टा प्लस है दैट विल बी प्लस वन बाय थ्री दिस इज लाइक दिस और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लस चार्ज मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ बीच प्लस लिख सकते हो और ये जो प्लस है थ्री डेल्टा प्लस के बराबर होगा राइट right, बेटे और ये जो कॉम्प्लेक्स बना हाइब्रिड बना इसको हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं या फिर इसको हम लोग विलन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं या फिर हम इसको विलन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं तो बेटा बताओ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ गया कि है ना कैसे ऐड हुआ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर हाइड्रोजन का अभी रिप्लेस नहीं किया जस्ट ये इलेक्ट्रोफाइल एड हुआ कुछ नहीं हुआ जस्ट एडिशन हुआ है और ये स्लो क्यों है आपको बता दिया हाइड्रोजन जो रिमूव होगा बेटा वो सेकंड स्टेप में बट इन सेकंड स्टेप इफ एच प्लस इज रिमूव्ड देन अगेन अब अगर हम सेकंड स्टेप में क्या करें इस एच प्लस को यहां से हटाएं तो देखिए एच प्लस हटाएंगे तो यहाँ प्लस और यहां पर माइनस आएगा और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा देखिए है ना और यहां पर देखिए तो ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक हो जा रहा है मतलब ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हो जा रहा है लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हो जा रहा है वह लेस स्टेबल से मोर स्टेबल मतलब ये प्रोसेस कैसा होगा एक्जो होगा बोलो बेटा मोर स्टेबल है चूंकि लेस से मोर है तो फास्ट हो जाएगा दैट्स वाई दिस इज फास्ट प्रोसेस सो दिस इज नॉट आरडीएस तो भैया एक्सप्रेस निकल रहा है सेकंड स्टेप में जो कि आरडीएस है ही नहीं है तो इज नो कैनेटिक स्टोक इफेक्ट बैठे है ना तो फास्ट स्टेप इसलिए बिकॉज नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक हो रहा है इसलिए है क्योंकि लेस स्टेबल से क्या हो रहा है बेटे मोर स्टेबल हो रहा है तो बेटा हर चीज़ बहुत प्रॉपर तरीके से बेटे समझा रहा हो कि नहीं समझा रहा मुझे बताओ बेटे मजा आ रही कि नहीं आ रही प्रॉपर तरीके से देखिए सारी चीज़ें आपको क्लियरली मैं समझा रहा हूँ बोलो बेटे कहानी क्लियर है क्या कहानी क्लियर है क्या बेटे कहानी क्लियर है क्या चलिए अब बात करें अगर हम लोग किसकी करेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ है ना ई एस रिएक्शन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है चलो पहले मैकेनिज्म से बात करें एक बार क्या बेटा स्लो स्टेप में आपका ये निक्क्लोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों आ रहे हैं तो यानी रेट इज डायरेक्टली पोस्टल टू कॉन्सेंशन ऑफ निक्लोफाइल इंटो कॉन्स्टेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या ऑफ ऑफ्टेट इंटो कॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ये बोल सकते हैं चलिए दोनों पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोफाइल के कॉन्सेंशन पे भी डिपेंड करेगा

रेट इज डायरेक्टली पोस्टनल टू कॉन्सिट एरो जनरेशन ऑफ काब का टाइम होगा स्टेबिलिटी टाइम पर डिपेंड करेगा अच्छा अब चूंकि रिंग पर बेटे कौन अटैक कर रहा था इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था रिंग पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा इक्ट्रोफाइल के अटैक करने के चांसेस उतना ज्यादा हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भूखा है नंगा भूखा इलेक्ट्रॉन का इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा सो रेट इज डायरेक्टी पोस्टल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेजेंडियन अब इलेक्ट्रॉन डिंस का कौन बढ़ाएगा ऐसे ग्रुप्स जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे इसके सो रेट इज तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ग्रुप लगा होगा उतना ही इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छा होगा उतना ही इलेक्ट्रोफाइल करने का चांस ज्यादा होगा रेट भी उतना ज्यादा होगा सो रेट इज डायरेक्टली इजोर्सल टू है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक प्लस आई प्लस एच प्लस एम ग्रुप्स ऑन रिंग मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटे किसका हो जाएगा इनका माइनस आई माइनस एम माइनस एच माइनस आई दैट वॉर इज इलेक्ट्रॉन बी ड्रॉइंग करो भैया इक्ट्रॉन डिस्टि चाहिए ना इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन और खींच लेगा इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और इलेक्ट्रोफाइल तो को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए था इसलिए इनवर्सली बहोशनल हो जाएगा बोलो बेटे कहानी पूरी अच्छे से समझ में आ रही है क्या कहानी पूरी तगड़े से बढ़िया से समझ में आ रही है क्या अरे बोलो बेटे कुछ तो बोलें आप कुछ तो बोलें आप कुछ तो बोलें आप। कुछ तो बोला करें आप अच्छा ठीक है अब लोग सर कैसे बोले है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमको आप अब आप एक चीज़ बताओ बेटे यहाँ पर अगर हम आपको फिर से थोड़ा सा रिएक्शन ये दिखाएं देखिएगा जरा सा मैकेनिज्म इसका देखिए यह मैकेनिज्म था पहला स्टेप आपका कैसा था स्लो स्टेप था है ना? पहला स्टेप आपका कैसा था ये स्लो स्टेप था अगर हम इसका ग्राफ दिखाएं आपको एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन पीओआर आर बोलते हैं इसको, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन रिएक्ट ठीक है जरा बात को समझे समझें बेटे जरा बात को समझें तो ई रिएक्टेंट था आपका ठीक है पहला स्लो स्टेप था तो पहला जो स्लो स्टेप है बेटा स्लो स्टेप है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगा ठीक है उसका रिएक्शन एजमेंट यहाँ पे आपका टाइम बना ठीक है और पहला चूंकि एंडो था कैसा था एंडो था तो देखिए ऊपर रह जाएगा ये एंडो और दूसरा स्टेप जो आपका बन रहा है बेटे वो कैसा है एग्जो एग्जो का मतलब देखिए कैसे जाएगा ये कुछ इस तरह से जाएगा देखिए है ना ये दूसरे का टेंशन स्टेट है कि आपका टेंशन दूसरा एक जो है तो देखिए ये ये ऊपर और ये नीचे हो गया एक जो हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है दिस विल बी योर है और यहाँ पर आपका फाइनली क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा समझ में आए तो ये वाला पार्ट ज्यादा क्यों हो जा रहा है इसको थोड़ा और ज़्यादा करें आप कुछ तरह से ठीक है ज़्यादा ही ज़्यादा हो गया भनों को समझ रहे हैं ना अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बैठे लाइक दिस ठीक है दिस इज द ग्राफ यहाँ पर आपका टाइम बना ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट दूसरा एक जो था तो देखिए एक जो सो हो रहा है आपको देखिए पहला एंडो था तो देखिए एंडो सो हो रहा है क्योंकि पहला स्लो स्टेप था इसलिए इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा काफ़ी ज़्यादा होगा ठीक है और इस वाले का एक्टिव एनर्जी कम होगा क्योंकि ये फास्ट है राइट चले देखिए भाग्य तो बाकी अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए जरा सो जनाब ये ग्राफ को समझने की कोशिश करें देखिए ये आपका है बेंजिन इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया पहला स्टेप था यहां पे देखिए आपका काफ का टैनि बन रहा था नहीं तो ये देखिए पहला आपका ये देखिए आपको एंडो दिख रहा है साफ साफ फिर दूसरे में देखिए एक जो था तो ये देखिए नीचे आया और ये आपके प्रोडक्ट बना बना कि नहीं बना तो वैसे तो पहला स्टेप जो आपका था आरडीएस था वहां पे काइनेटिक आइटोप इफेक्ट नहीं था तो चाहे हाइड्रोजन नहीं लेते चाहे डिटोरियम लेते चाहे ट्रीटीएम लेते ऐसा ही ग्राफ जाता बट सपोज कुछ ऐसा होता सपोज कुछ ऐसा होता कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लग जाता मान लो सपोज केंड स्टेप आपका सपोज सेकेंड स्टेप आपका जो है वो आरडीएस हो जाता है सब फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आरडीएस तो सेकेंड स्टेप में ही सीएच बॉन्ड टूट रहा था तो उसके इसमें में सीएच और सी डी और सी टी टूटता है सेकेंड स्टेप की बात कर रहा हूं तो फिर बेटा वहां पर रेट पे अंतर आता इसका रेट क्या होता है बेटे इसका रेट ज्यादा होता और इसका रेट कम होता क्योंकि जल्दी टूट जाता वीक बॉन्ड है तो अगर इफ काइनेटिक कैनेटिकस्टोपिक इफेक्ट तो उसके इसमें क्या होता है देखो एक इसमें हाइड्रोजन के लिए आता एक ड्यूटेरियम के लिए ग्राफ आता है और एक ट्रीटियम के लिए आता है अब ऐसे ग्राफ हाइड्रोजन के लिए ये क्यों है तो समझाता आपको तो हाइड्रोजन का बॉन्ड जल्दी टूट जाता है जल्दी टूट जाता तो बेटा उसको लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होता है तोड़ने के लिए टेंशन देखो टेंशन टेंट जबकि ड्यूटेरियम वाला अगर देखो दूसरा वाला तो उसका देखो एनर्जी ज्यादा एनर्जी ट्रीटियम का और ज्यादा एनर्जी क्योंकि ट्रीटियम का वन एनर्जी ज्यादा है हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी कम है तो तीन ग्राफ तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जा सकता है कि अगर कनेटिक स्टोपिफेक्ट लगता तो ग्राफ क्या होता है तो हाइड्रोजन का पहले आया क्यों पहले आया बेटे क्योंकि देखो इसके लिए ये जल्दी टूट जाएगा तो सो इस, so इसका जो एनर्जी होगा वो कम यूज होगा देखिए यहां पर बट के लिए देखो ज्यादा एनर्जी है ट्रीटियम के लिए और ज्यादा एनर्जी है क्यों क्योंकि ज्यादा एनर्जी देना ही पड़ेगा ट्रीटियम को बिकॉज इट्स और एनर्जी इज इज मोर सो हियर रिमूवल ऑफ अगर सेकंड स्टेप में है तो बेटा इन तीनों का रेट अगर सेम होगा अगर सेकंड स्टेप में है रिमूवल हाइड्रोजन का तो सेम स्टेप होगा क्योंकि पहले स्टेप आपका आर्डियस है बट अगर सेकंड स्टेप आडियस हो जाता तो कैनिटी का इफेक्ट लगता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटे तो यही कह रहे हैं बट आर डी एस इज फर्स्ट स्टेप एंड नी फर्स्ट स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल नॉट रिमूवल ऑफ एच डी ओर टी सो रेट इज नॉट अफेक्टेड बाय एच ऑर डी ओर टी सो रिएक्टिविटी तीनों के रिस्पेक्ट में सेम होगा और प्रोसेस आपके रिवर्सल प्रोसेस होगी कहानी समझ में आई कि नहीं आई बोलो बेटे मस्त और तरीके से तो अब थोड़ा सा और बात करें हम लोग किसकी हेलो बेंजीन एंड हेलो एरिन की तो ये ईएस के बारे में हम लोगों ने समझा बेटे किसके, किसके बारे में समझा हम लोगों ने बेटे ईईएस के बारे में समझा अब हम बहुत बढ़िया से बात कर सकते हैं किसकी बेटे हेलो बेंजीन और हेलो ओर की से बात कर सकते हैं जरा देखिए क्या है अगर हम बात करें हेलो एरियन की तो बेटा ये आपका हेलो एरियन है ठीक है हेलोजन है और एरियन है मतलब एरोटिक कम्पाउंड फिनाल सो so, हेलोजन आइटम आर डायरेक्टली अटैच विथ रिंग हेलोजन डायरेक्टली अटैचड है तो यहाँ पर लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल तो बेटा यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया देखिए अब अगर इसका अगर हम बात करें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का तो उसका वैसे तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा और आपको पता है कि प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बनाता है तो देखिए बॉन्ड बनाया और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आता है देखिए प्लस आ गया और यहाँ पर आपका माइनस आ गया तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है हाई बॉन्ड एनर्जी होगी हाई बॉन्ड एनर्जी होगी तो हेलोजन एटम्स आर डायरेक्टली अटैच विथ सो दे डू नॉट सो यूजअली चूंकि अगर एस एन वन टू में क्या होता है बेटा कि हेलोजन निकलता है आपको समझाया इसी में समझाया था तो क्या एसनिस्ट निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा तो एसन रिएक्शन देगा ही नहीं एस एन वन एसेंटू नहीं देगा रिएक्शन सो दे डो नॉट सो यूजली एस एन वन एसेंटू रिएक्शन गिवन बाई एल्ट जो आर एक्स देते हैं जनरली ये आपके हेलो एर एसन वन एसेंटो रिएक्शन नहीं देते हैं बट आपको पता है कि जो क्लोरीन होता है बेटे क्लोरीन ये आपका ऑर्थो एन पारा डायरेक्टिंग होता है होता है। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा बट दिसर कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन देगा है ना दो एक्स क्लोरिन ग्रोबीन आर ऑर्थोन पैराडाटिंग तो जो हैलोजन होते बेटा ऑर्थन पैराडाक्टिंग होते हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं ये हम लोग बात कर चुके हैं बहुत पहले।, पहले भी बहुत अच्छे से बहुत तगड़ से बात कर चुके हैं, तो ये होते हैं और तो इसमें क्या होगा कि अगर हम प्रिपरेशन ऑफ एलो इंजिन की बात करें तो ये आपका क्लोरोब इंजन एंड दैट इज ऑर्थोन पैरा डायरेक्टिंग तो जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा और कहाँ पर जाएगा बेटे आपका ऑर्थोन पैरा पोजन पे जाएगा राइट तो अब जैसे कि यहां पर ये तो जैसे इसकी बात करें इस सिंपल बेंजिन से क्लोरोब इंजिन कैसे बनाया जरा ये देखते हैं तो उसको आपको सीधे मैं आपको समझा सकता हूँ देखो कैसे जो अभी हम लोगों ने तरीका यूज किया था उस पर बेस्ड हम लोग बात करें अगर यहां पर हाइड्रोजन था और यहां पर जो सी है बेटे इसको ऐसे लिखें और एनहाइड्रस एल ऐसे लिखें अगर हम तो देखिए इसमें क्या होगा आपका ए एल सी एल थ्री के पास टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन्स है बेटे तो इसके पास खाली डब्बा है उसके पास लोन पेयर है तो इसके पास अटैक करेगा और फाइनली बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा सी एल प्लस इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा बेटे और प्लस यहाँ पर ए एल सी एल फोर माइनस बन जाएगा और ए एल सी एल फोर माइनस का मतलब ए एल सी एल थ्री ने सी एल माइनस लिया राइट ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया ठीक है तो यहाँ पर सीएल प्लस का अटैक होगा अभी आपने देखा था तो क्या हो गया बेटे ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा सी एल यहाँ एड हो जाएगा ऐड हो गया देखिए सीएल सीएल और यहां पर एच और यहां पर आ गया प्लस आपका एच था, था, तो था और, यहाँ पर H था, और यहाँ प्लस था। तो अगर यहां से एच प्लस को निकाल दिया था तो एच प्लस निकला था तो यहाँ माइनस आएगा और प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेंगे और देखो आपका क्लोरोबेंजीन क्लोरो आपका देखो बेटे बनता हुआ नजर आ रहा है बेंजीन है ना ये देखिए कुछ इस तरह से कंपाउंड बन गया ये मैकेनिज्म आपके सामने आ गया बेटे ओके okay. लेकिन स्पेशल केस में अगर हम सीएल टू को सनलाइट या यूवी लाइट अभी बताया था तो उस केस में क्या होगा बेटा कि सारे बॉन्ड टूट जाएंगे और हर जगह सीएल हर एक पर लग जाएगा तो हर एक पे एक हाइड्रोजन भी है बेटे तो छह कार्बन है हाइड्रोजन भी छह और क्लोरीन भी छह है तो सी सिक्स एच सिक्स सी एल सिक्स को हम सिक्स 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 भी बोलते हैं ट्रिपल सिक्स बोलते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गैमेक्सिन ज कॉल्ड बी एस सी हेक्रोड तो स्पेशल केस में बेटा अगर सी एल टू को सनलाइट में डालो तो ये एडिशन रिएक्शन भी इस तरह से देता है या बी एस सी बेगजी बोलते हैं देखिए तो क्या यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरवाइलेट लाइट फ्रॉम द सन लाइट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट हॉट बेन्जिन ऑल्सो अंडरगोज एन एडिशनल रिएक्शन विद क्लोरिन

प्लस एम देता है और डीएक्टिवेटिंग है तो कोई भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो उसको बेटे कहाँ पे भेजने वाला है ये ऑर्थो एंड पारा पोजिशन पे भेजने वाला है ऑर्थो एंड पारा पोजिशन पे ये भेजने वाला है बेटे ऑर्थो एंड पारा पोजिशन पे जैसे कि आप ये देखो ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग है ठीक है ये प्लस एम और माइनस आई देता है बेटे या समझिएगा ये प्लस एम देता है और माइनस आई देता है प्लस एम ऑर्थो एंड पारा में तो उसका पावर सेम रहता है बट आई इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है तो इसका जो माइनस आई होगा बेटे ऑर्थो ऑर्थोपे ज़्यादा इफेक्ट डालेगा पायरा पे कम डालेगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से आई इफेक्ट का पावर क्या होता है कम हो जाता है बात समझना बेटे राइट तो ये अर्थों से अगर माइनस आई की बात करें तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा पारा से उतना कम इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा नहीं खींच पाएगा तो यानी यहाँ से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इसके आई इफेक्ट की वजह से तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो रिलेटिवली थोड़ा सा कम होगा यहाँ पर रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होगा और इलेक्ट्रोफाइल मेजर वहां पे बनाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा इसलिए इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करेगा ये दिस इज पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ऑर्थो पोजिशन ये पारा पोजिशन दिए राइट तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल लग गया पारा पे लग गया बट पारा वाला मेजर होगा बिकॉज यहाँ पर सम लिमिट लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर बिकॉज ऑफ दिस माइनस आई क्योंकि यहां से खींचेगा और यहां से खींचेगा कहां से ज्यादा खींच पाएगा यहां से तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई इसके रिस्पेक्ट में तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा लगी यहां से कम खींच पाया सो ये मेजर होगा आपका राइट सो प्लस एम ऑफ सी एल एट ऑर्थन पारा पोजिशन इज सेम ऑर्थोर पारा पोजिशन में रेजनस रेजनस अगर एट ओनली एट ऑर्थन पारा पोजिशन और वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है तो रेजुनस का पावर तीनों जगह सेम रहेगा बट माइनस आई पावर एट पारा इज लेस मोर डिस्टेंस हो गया लेस हो गया सो मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनडेंसी एट पारा पोजिशन येस yes, बिल्कुल सो so, मोर टेंडेंसी टू एट इलेक्ट्रोफाइल एट पारा पोजिशन तो so, पाराइज इसका मेजर हो गया कहानी क्लियर है चलिए ये बात आपको समझ में आ जाती है अब जरा देखिए अब ये देखिए अब आपने यहां पर देखा तो कॉन्सेंट्रेटेड एचनो थ्री और एच टू फोर इसका नाइट्रेशन अगर हम करा दें तो बेटा यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो एनो टू प्लस जनरेट होता है नाइट्रेशन में तो कहाँ पर लग जाएगा ऑर्थो एंड पारा पोजिशन पर एनओ टू लग गया पारा एज मेजर सल्फोजन में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है ऐसा थ्री एच होता है सल्फोनेशन करा दिया कॉन्केशन से फोर ले लिया तो ऑर्थो एन पारा पैसो थ्री एच लग जाएगा पारा मेजर हो जाएगा आपका राइट बेटे अब सी एल टू एफ ई करा दिया हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोवन अब इसका हैलोजिनेशन करा लो बेटे हेलोजिनेशन में वही सी एल प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा तो ऑर्थो एन पापे सी एल लग जाएगा यहाँ पर आपका ये मेजर होगा बोलो बेटे तो बहुत सिंपल तरीके से बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है देखो आप मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखो नाइट्रेशन में एनो टू प्लस था देखो बेटे नाइट्रेशन में आपका एनो टू प्लस इेक्ट्रोफाइल था

ये आपका क्या था अल्काइल था दैट्स दिस कॉल्ड ग्रफ अल्काइलेशन सो इसे अलकाइल एन दिसाइल एफ सी सी हो गया फ्री ग्राफ तो बेटा बताओ ये प्लस सी ओ आर का ऑर्थोवन पारा पे लग जाएगा बोलो बेटे सिंपल ये आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन आप क्लोरोबेंजिन की या हेलोबेंजिन की देख सकते हैं बेटा बहुत आसानी से बहुत तगड़े से आगे बात करें बेटा सब मिसलेनियस रिएक्शन ऑफ हेलोबेंजिन मिसलेनियस रिएक्शन मिसलेनियस रिएक्शन में क्या है बेटा कि अगर आप क्लोरोबेंजिन एक डाउज प्रोसेस होगा आगे हम इसका मैकेनिजम बताएंगे डोंट वरी बट अभी हम डायरेक्ट बताएंगे बेटा आप अभी आपको बताया था कि ये डायरेक्ट यहां से निकल नहीं सकता है क्योंकि यहाँ क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है बट स्पेशल कंडीशन में देखो 625 ट्वेंटी और 300 300 एटमॉस्फेयर मैं तो बेटा टूट जाएगा और एनी वेज से ओएज यहाँ पर लग जाएगा बट तीन से एटमोसफियर प्रेशर जनरेट करना बेटा बहुत ही कॉस्टली पड़ता है बहुत महंगा पड़ता है बहुत ही मुश्किल से हो पाता है और ये टेम्परेचर है तो बेटा इकोनॉमिकली नॉट गुड मैथड तो यानी आपने क्या किया अप, अब अब वैसे आप स्टीम भी ले सकते हो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से तो स्टीम से यहाँ पर यह बॉन्ड टूट जाएगा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर तो ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से भी आपका ओएच यहाँ लग सकता है सो इस इज डाउज प्रोसेस है ना इसका मैकेनिज्म आपको आगे बताएंगे ठीक है कैसे होता है ये रिएक्शन ऑफ एनबीएस एन क्या करता है बेटे फ्री रेडिकल सब्सिट्यूशन देता है वैसे एनबीएस के बहुत सारे फंक्शन है बहुत सारे फंक्शन साइकिलो फंक्शन है मैंने एनबीएस का अलग से बना रखा है ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कम्पाउंड के तीन लेक्चर्स दे रखे हैं बहुत तगड़े तगड़े तो आप पूरा डिटेल देख सकते हो बट फिर भी एनबीएस क्या करता है बेटा ये एलाइलिक सब्सिट्यूशन कराता है जनरली एलाइलिक सब्सिट्यूशन नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अब एलाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है समझो तो एलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कराता कर है एलाइलिक हाइड्रोजन को तो हाइड्रोजन सिंगल सिंगल डबल अगर कहीं पर है तो उसको रिप्लेस उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कराता कर है वहां पे ब्रोमीन लगाता है तो बेटा कहां पर जैसे सी इसकी बात करें तो गर्म इसको चाहो तो ऐसे लिख के दिखाएं आपको देखिए तो हाइड्रोजन सिंगल सिंगल डबल है तो ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं एलाइलिक हाइड्रोजन देखिए इसको सी एस टू एच लिख सकते हो और यहाँ पर आप इंजिन का ये बना दो देखो पूरा एकदम क्लियर आपको समझ में आएगा देखिएगा ध्यान से हाइड्रोजन सिंगल सिंगल डबल भाई साहब एलाइलिक हाइड्रोजन है तो ये एनबीएस क्या करेगा बेटे इस एलाइलिक हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करता है, है ना एन बी एस ना? इसको रिप्लेस कर देगा उसकी लिए पर क्या पर उसको बी आर तो यहां पर बन जाएगा क्या CL, CH2, Br अगर यहीं पर इसकी जगह पर हम बी आर टू हीट NBS है ना तो ब्रोमीन देता अगर यहां पर हम Cl2 टू हीट लेते तो यहां पर Cl2 टू हीट लेते तो क्या बनाता बेटे यहां पर जैसे ब्रोमीन है वैसे यहां पर सेम एज NBS ये भी अला लिख देगा ब्रोमीन हीट भी एल देगा सेम एज एन लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव जो होता है एन रहता है एन में ब्रोमीन का हमें बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है एक्चुअली में तो इसलिए हम एन यूज़ करते हैं यहाँ पर आपका सी एस बना देगा राइट तो आप पी आर टू हीट ले लो सेम एज एन बी की तरह रिएक्शन कराएगा राइट बेटे चलिए ये बात आपको समझ में आ गई तो वही मैं दिखा रहा हूँ देखो यहाँ पर सी है और यहाँ पर सी अब जब रिएक्शन देखिए सी है और अब सी है नो डाउट दिस इज ऑर्थन पर है डायरेक्टिंग बट बेटा सीएल आपका डीएक्टिवेटिंग है माइनस आई इसका डोमिनेट करता है प्लस एम को तो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है डीएक्टिवेटिंग है और सीएस आपका प्लेज शो करता है और जब कभी भी हम ई एस की बात करेंगे बेटा तो हमेशा हम एक्टिवेटिंग की बात करेंगे एक्टिवेटिंग का मतलब ऐसा ऐसा ग्रुप जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा हो क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो इलेक्ट्रोफाइल किसकी बात मानेगा उसकी बात मानेगा जो उसके फेवर में बात कर रहा होगा तो इलेक्ट्रोफाइल के फेवर में कौन बात कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो उसकी बात मानेगा और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है उससे तो इलेक्ट्रोफाइल दूर रहना चाहेगा बेटा उसकी क्यों मानेगा क्योंकि उसके अपोज कर रहा है उसको जो चाहिए था वो उसका उल्टा काम कर रहा है इसलिए यहां पर जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये तो प्लस एस है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये एक्टिवेटिंग तो इसके रिस्पेक्ट में तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो और, और पारा पे जाएगा अटैक करेगा ये तो बेटा बता बताओ पारा पोजिशन तो इसका ब्लॉक है तो एक ही पोजिशन बच रहा है ऑर्थो तो ये दोनों से मिट्टिकल है पारा पे भाई इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ऑर्थन पारा डायरेक्टिंग है प्लस एच है और ये भी ऑर्थोन पारा डायरेक्टिंग है बट बेटा ये डीएक्टिवेटिंग है तो ये एक्टिवेटिंग है तो ये एक्टिवेटिंग की बात मानेगा फाइट होगी दोनों में ये जीतेगा सीएस यही जीतेगा तो बेटा ये वाले दो पोजिशन ब्लॉक फ्री है इसके पारा तो ब्लॉक है तो ऑर्थो पे ही कर पाएगा यहाँ यहाँ एक ही बात है तो सीएल यहाँ लग जाएगा देखिए बट अगर हम यहां पर सीएल टू एचन यू कर दें बेटे तभी तो मैंने बताया था कि इसको सी एच टू एच लिख लो और सी एल टी एच न्यूज कर सी एल टू हीट तो बेटा एलाइलिक सब्सटूशन दे देगा यहाँ से एच एट आगे सीएल लगा देगा देखिए बात समझ में आ रही है क्या बेटे बात समझ में आ रही है क्या उसके बाद फिर बेटा रिएक्शन विथ मेटल्स हैं अगर हम इसका ग्रिग्नोट रिएजेंट बनाना चाहें तो कैसे हमने हेलोरिन लिया और उसका एम जी और टी एच एफ के साथ रिएक्शन कराया दिस इज बेसिकली इधर तो एम जी आया इंसर्ट हो जाता है एम जी सी एल यहा है ग्रिगनोट रिएजेंट और जैसे बेटा ये ग्रिगनोट रिएजेंट बनता है तो एम जी पर आता है प्लस और इधर आता है माइनस और अगर हम सी एस सी सी एल से रिएक्शन करें तो यहाँ पर माइनस यहाँ पे प्लस थोड़ा तो बताओ प्लस यहाँ पर अटैक कर देगा देखिए तो यहाँ पर सीएस आ गया और एम जी के साथ सी एल आ जाएगा तो एम जी सी एल टू हो जाएगा राइट फिटिक रिएक्शन में क्या होता है बेटे कि क्लोरोबेंजिन के दो मालिकुल्स ले लो एरोमेटिक के और दो सोडियम और ड्राई इथर के प्रेजेंस में या टी के प्रेजेंस में बात करो तो यहाँ से टू एन निकल जाता है और यहाँ पर देखो बायफि कंपाउंड बन जाता है दिस इज कॉल फिटिक रिएक्शन तो इस तरह से बेटा देखो ये हेलोइन में हमने बहुत कुछ सीखी चाहिए सीखी और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अपनी चीजों को समझाने की कोशिश की बेटे तो मुझे लगता है आपने बहुत इन्जॉय किया होगा बहुत मजा किया होगा बेटा आपने मस्त और जवाब तरीके से हम लोग इस सेशन को कम्प्लीट किया चले बेटे तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं आपने इन्जॉय किया है तो बेटा आपको क्या करना है लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और फिर से मिलते हैं बेटा नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में टिल दिन बेटे आप खूब पढ़ें खूब लिखें खूब आगे बढ़ें वाई नॉट डी